हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या। अगर मार्केट को ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हमारा कल का एनालिसिस था कि अगर मार्केट 35,670 से लेकर के 35,500 के बीच में ओपन होती है और यहाँ पर एक रेंज है, तो इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग देती है 35,500 के नीचे एक 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग करती है तो हाँ उसके लो को निकालते तो हम वहाँ पर सेलिंग करेंगे, लेकिन अगर 35,670 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से अप तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया क्योंकि 35,800 के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, इसको क्रॉस करने का दो बार कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया और डे एंड में इसका क्लोजिंग आ करके कल के क्लोजिंग के आसपास में हो चुकी है। तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट अप गया और इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल हुई और एक रेंज में फाइनली ट्रेड करते रहा। अभी मार्केट 35,800 से लेकर के 35,500 के बीच में 300 पॉइंट का रेंज है, इसी रेंज में 2 दिन लगभग ट्रेड किया। तो अभी मार्केट में हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, जी साइड ब्रेकआउट दे, डाउन साइड दे तो हम वहाँ पर सेल करेंगे, अप साइड दे तो हम वहाँ पर बाई करेंगे। अगर 35,800 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देती है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे और उसके हाई को निकालती है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, लेकिन 35,500 के नीचे एक 15 मिनट का निगेटिव कैंडल का क्लोजिंग है और इसके लो को निकालते तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट सेल साइड में होगा 35,250, इसके नीचे होगा 35,500, तो यहाँ पर लगभग 500 पॉइंट का स्पेस है। अप साइड में अगर 35,800 के ऊपर क्लोजिंग देती है और हाई को निकालती है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 36,000 होगा। इसके बाद 36,250 मल्टीपल टाइम टेस्टेड है तो उसे फ्लो में क्रॉस कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो 36,450 के आसपास में, तो अप साइड में भी बहुत अच्छे स्पेस है और डाउन साइड में भी। तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ निकलती है, किस तरफ क्लोजिंग देती है 15 मिनट का, हम वहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में आप वहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड करें। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, अपर साइड से भी एक ट्रेंड लाइन है, लोअर साइड से भी एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसे ही फॉलो किया है, इसको ही बार बार रिस्पेक्ट दिया। तो अभी हम चैनल ब्रेकआउट का यहाँ पर वेट करेंगे। ये ट्रेंडिंग चैनल है, इस तरह से डाउन साइड में आ रही है तो हम यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल इसके हाई को निकालती है यानी कि 16,650 के ऊपर निकलती है तो हम बाई करेंगे और अगर 16,600 के नीचे निकालती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। सेम बैंक निफ्टी की जैसा ही निफ्टी में भी हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मार्केट की साइड ब्रेकआउट देती है उसके बाद ट्रेड करेंगे। बिग गैप अप और बिग गैप डाउन के बाद हम मार्केट में प्राइस एक्शन का वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड करें। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, जो मैंने आज भी इसे सेल साइड के लिए दिया था और बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। अगर कल फिर से ये आज का लो क्रॉस करती है तो यहाँ पर फिर से डाउनफॉल हो सकती है, कल भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक में बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन बना हुआ है बाइंग साइड के लिए, इसे जितने लोगों ने भी होल्डिंग में रखा है उसका एचसीएल ट्रेल कर दे और हमें वेट करना है, यहाँ पर फिर से एक ब्रेकआउट हो सकती है, इस पॉइंट पर इस कैंडल के लो के नीचे अपना एचसीएल ट्रेल कर ले। अगर कल है फ्लैट ओपन होती है और 1170 को क्रॉस करती है तो हम वहाँ पर बाई करेंगे, मात्र 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर में बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। अगर कल है फ्लैट ओपन होती है और 2580 को निकालती है तो हम वहाँ पर बाई करेंगे, मात्र
₹5 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो स्विंग बनाया है इसे भी एक क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है। इसका रीजन देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन बनाया हुआ, यहाँ अप साइड में जा रहा था लेकिन इस रेजिस्टेंस के पास इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया और डाउन साइड आ गया। यहाँ पर हमें फर्स्ट पुल बैक में बाय नहीं करनी है, इसे फिर से सेकेंड बार यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन है, तो कल अगर फ्लैट ओपन होती है 2580 को क्रॉस करती है तो हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है EPL और अल्ट्रा टेक सीमेंट, दोनों में सेम प्राइस सेक्शन है। तो दोनों का यही सिचुएशन है कि अगर ए अपने लो को क्रॉस करती है, दोनों का सेम प्राइस सेक्शन बना हुआ है, तो अगर दोनों आज के जो लो है अगर उस लो को क्रॉस करती है तो हम वहाँ पर अपना पोजीशन लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दोनों में देखने को मिल सकता है, UPL और अल्ट्रा टेक, UPL और अल्ट्रा टेक, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राइस सेक्शन सेल साइड में बनाया। इसे मैं आप लोगों को बस लर्निंग पर्पज़ के लिए दे रही हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या देखा, क्या सेंटिमेंट था जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपना व्यू रखा सेल साइड के लिए। दोनों का प्राइस सेक्शन सेम है, तो इस सिचुएशन में आप मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैंने इसको सेल साइड के लिए रखा, ये बस सिर्फ आप लोगों के लर्निंग के लिए है। आप खुद से वहाँ पर एनालिसिस कीजिए, वहाँ पर रीजन जानने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आपको खुद भी स्टॉक सिलेक्शन का नॉलेज हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग टाटा कंज्यूमर को देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर में बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होती है और 855 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ₹3 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि ये हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी ब्रेकआउट आ सकती है। आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी एनालिसिस वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ लर्निंग पॉइंट होता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।